हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी हेयर ऑयल करने का सही तरीका। तो उसके लिए हमें पहले लगेगा एक छोटू बाउल, और उसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। आपके हेयर के अकॉर्डिंग हमको डालना है ऑयल, ज्यादा नहीं ना कम भी नहीं, मतलब पूरा ऑयल टपके उतना भी नहीं लगाना है हमको, अपने मतलब ऑयल लग जाए अच्छे से बाल में उतने लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल्स, वो हम डालेंगे दो। ये दिखने में ऐसे होते हैं, और इन हम कट करेंगे, एकदम थोड़ा सा कट करना क्योंकि ये फिर नीचे गिर सकता है, एकदम हल्का सा एक एक करके डालना। ये डाल दिया इसमें, इसको मिक्स करना अच्छे से। अगर हो सके ना इसको गरम कर लेना, डायरेक्ट हीट नहीं देना ऑयल को, पहले एक बाउल में गरम पानी लग करना अच्छे से, मतलब ज़्यादा ही गरम एकदम, और फिर ये जो बाउल है ये उसमें रखेंगे, और फिर वैसे हमको इसको गरम करना है। वैसे सही तरीका है ऑयल गरम करने का, ठीक है। इसके बाद हमारा हेयर हम कॉम कर लेंगे अच्छे से। मैंने दो दिन से कॉम नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ आजकल, तो इसको हम कर लेंगे कॉम। इसके बाद हमें ऐसा कॉटन ले लेना है, इसको ऑयल में डिप करना है अच्छे से, ठीक है। इसको थोड़ा निकाल देंगे ऑयल, देन हल्का हल्का प्रेस करना है, और ओके, फिर ये उंगली, ये छोटी वाली उंगली सूख जाएगी। अब हफ्ते में दो बार भी ऑयलिंग करेंगे ना तो आपके बालों में मतलब झड़ना और सफेद होना और डैंड्रफ होना ये सब रुक जाएंगे। हफ्ते में दो बार तो करना ही चाहिए। मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, और हर 15 डेज में एक बार हेयर स्पा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बालों में जो प्रोटीन मेरे बालों को नहीं मिल रहा है वो हेयर स्पा से मिल जाए। एकदम अच्छे से लग गया। इसके बाद हमारे यहाँ पे एंड्स में, यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये भी टू पार्ट्स में ही करना क्योंकि एक साथ लगेगा नहीं अच्छे से ऑयल, ठीक है। फिर ऑयल जो बच गया ऑयल वो सारा हमारे हाथ में लेके,
हर बार मेरी मम्मी करके देती है, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना था तो इसके लिए आज मैंने कर लिया। क्योंकि हम हेड मसाज किसी और से करते हैं ना तो हमें रिलैक्स भी फील होता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, क्योंकि हम थोड़ा दूसरों के हाथ से करेंगे ना, और वैसे खुद के हाथ से भी कर रहे हैं ना तो भी ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया हेयर ऑयल। फिर अच्छे से ये यहाँ पे मेरे को पिंपल आया तो मैं अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ, ये फूट जाएगा फिर ये पार्ट, कान के यहाँ पे, ये यहाँ से और ये वाला जो पार्ट है इसको दबाना है, दोनों साइड से अंगूठे से दबा लेना। फिर पीछे जाना है और मिडल में एकदम प्रेशर देना है, ऐसे आपको दो तीन बार कर लेना है। फिर ये यहाँ से ये दोनों, फिर यहाँ पे हल्का हल्का मसाज, इसके बाद ये हो गया हमारा ऑयलिंग। अभी इसको हम बांध लेंगे एक बार, ठीक है। इसके बाद जो ऑयल बच जाता है वो यहाँ पे लगाना है, ये लेना है ये से, ये हो गया। चंपू लग रही थी ये, तो ये हो गया हमारा ऑयल लगा के। अब इसको मैं पूरा रात रखूंगी, फिर सुबह में जो भी आप मतलब मैं शैम्पू जो यूज़ करती हूँ उससे वॉश कर लूँगी। आप जिससे आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, और उसको मतलब डायरेक्ट यूज़ मत करना, ऐसे ही पानी मिला के ही यूज़ करना हमेशा, और फिर ड्राई कर लेना। और सीरम, अच्छा सीरम जो भी होगा वो यूज़ करना, बस थैंक यू। और आज के लिए बस इतना ही, और अगला वीडियो में लेके आऊँगी और कुछ अच्छा टिप बताऊँगी। थैंक यू।